कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया हूँ और गुड मॉर्निंग आप सबको, सुप्रभात। आइए, वेलकम। डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम क्या कर रहे हैं आपको पता ही है, आगे का ब्लॉग आपने देखा ही होगा। तो आइए मिलते हैं, लेट्स गो। तो ये काम हमने अधूरा छोड़ा था, अब हम पूरा करेंगे इसको। ये भी कुछ हमने अधूरा छोड़ा था, आइए उसको भी पूरा करते हैं। सुबह के 8:30 बज चुके हैं, लो भाई, माता जी के दर्शन भी करवा दिए आपको। कुछ पीछियां लगी हुई है हमारे घर पे, ऊपर मडवर्क लगे हुए हैं, फ्रेम आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली ब्लॉग में। ये वाले जो स्टैंड है, इसमें यहाँ पर हुक लगाना है। यहाँ पर लगेंगे 4 और यहाँ नीचे पाले पर, यहाँ नीचे लगेगा 1। आइए लगाते हैं, पहले मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग के लिए हमें चाहिए स्केल, ये करीब 7 इंच का है, करीब नहीं, पूरा 7 इंच का है। यहाँ पर पहले हमें सेंटर लगाया लाइन लगाना है, 3.5 इंच, 1-4 इंच पे रख के, या 3 इंच कहीं भी आप रख सकते हैं। यहाँ से 3.3 में 2-2 रकम और 5 में 2-2 रकम, तो ये करीब हो जाएगा यहाँ से यहाँ 1.25 इंच, 1.25 इंच, ये 1 इंच डेढ़ और 1.25, और यहाँ से करेंगे 1.25 और यहाँ से करेंगे 1.25। ये हो गया, ये मार्किंग हो गया, 1, 2, 3, 4 इसमें हमें हुक लगाना है। और इसके लिए हम होल करेंगे ड्रिल मशीन से। और ये है इसकी ऊपर की साइड, ये है 7 इंच, 7 का आधा 3.5 इंच, ये हो गया सेंटर से। ये सारे जितने भी पीस पड़े हुए हैं उसको मार्किंग करके बाद में होल करें। दोस्तों, इसमें होल करने के लिए मैंने कुछ ऐसा स्टैंड ले लिया है और इसमें ड्रिल मशीन फिट कर दिया है। आप हैंड ड्रिल से भी कर सकते हैं, हैंड ड्रिल से भी हो जाता है। मेरे पास ज़्यादा काम होता है इसलिए मैं इस मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। की होल्डर बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए बी हुक, और ये है B3। इसमें एक पैकेट में करीब 200 पीस लिखा हुआ है, पर करीब करीब 150 पीस ही आते हैं इसमें, 200 पीस पूरे नहीं होते इसमें, वजन के हिसाब से होता है, ऐसे होते हैं बी हुक्स। और ये हमें चाहिए पकड़, प्लेयर बोल सकते हैं आप उसका। ये जो कोना होता है ये काटने के लिए काम आता है, हमें इसी का उपयोग करना है। पकड़ में ऐसे फंसा के उसको यहाँ से ऐसे काट देना। ये हो गया हमारा हुक रेडी। ये कुछ इसमें मैंने बनाए हुए रखे हुए हो गया, गलती से इस तरफ ना कट जाए उसका ध्यान रखना है, नहीं तो फैल हो जाएगा ये। ये दोस्तों हम बना रहे हैं की होल्डर, और की होल्डर बनाने के लिए चाहिए हमें बी हुक और ये पकड़। आप देख सकते हैं ये आसानी से कट जाता है, वैसे ये मजबूत होता है पर ये पकड़ की वजह से कट जाता है। वैसे बहुत सारे हमें जितने भी चाहिए, एक पीस में हमें 5 ऐसे चाहिए हुक्स, तो 5 कट एक के हिसाब से, 5 चाहिए तो उसके हिसाब से हमें कट कर लेना है। जितने भी पीस है गिनती करके कट कर लेना है। तो ये दोस्तों मैंने सारे कट करके रख दिए हैं, आइए लगाते हैं इसको। हुक को लगाने के लिए दोस्तों मैंने एक ये जुगाड़ बना दिया है, ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसमें होल करके मैंने एक वेस्ट की चाबी बोलते हैं ना, उसको फंसा दिया है इसमें, इससे ये कस जाएगा। और ये एक हुक लेना है, जहाँ पर हमने होल किया है वहाँ पर उसको पहले अच्छे से बिठा देना है, बाद में इसको ऐसे करके फंसा देना है। ये हो गया, और चाबी को निकालने का, ये हमारा टांगने का हो गया, इससे हम टांग सकते हैं। पहले सारे कस देंगे, एक एक करके सारे कस देंगे हम, और इसको रखना है ऊपर की साइड ताकि हम ऐसे चाबी टांग सके। इसमें कोई भी की हो, की का उपयोग हम रोज़ करते हैं, तो ये की होल्डर है, आप देख सकते हैं मैंने किसको किस तरह इसको फिट कर दिया है। ये सारे ऊपर रहने चाहिए और एक लेवल में रहने चाहिए, ये हो गए सारे फिट, आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। ये रहा की होल्डर, ये उसका बैक साइड, यहाँ पर डॉट बनाना बाकी है, आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। ये बुई हुक आपको बाजार में मिल जाएंगे, हार्डवेयर की शॉप पे इजीली मिल जाएंगे। बी हुक बोलना है, बी हुक बोलने से ये मिल जाता है, यहाँ हमारे साइड बी हुक बोलते हैं, पर पता नहीं इसको सब जगह पे अलग अलग भाषा होती है, सबकी भाषा के हिसाब से बोलते हैं। वैसे इसमें लिखा हुआ है B3, ये बी हुक बोलते हैं। इसमें उसका कुछ नाम मेंशन नहीं किया है, ये कुछ SS कंपनी है, SH परफेक्ट,
ग्रिप, और ये इसके कुछ सैंपल्स हैं जो ऐसे ऐसे अलग अलग साइज़ में मिलते हैं, आपको जो चाहिए वो मिल सकता है जो भी डिज़ाइन में। ये रहे, इसमें लिखा है 200 पीस पर होते नहीं है 200 पीस, इसलिए जो भी मिले। तो दोस्तों ये हमारे सारे बी यूक लग के रेडी हो चुके हैं, सारे हमने बी यूक लगा दिए हैं। ये टांगने के लिए है, ये की होल्डर है, ऐसे बहुत सारे हैं पर अभी वर्क में यही चल रहे हैं, जो भी काम होता है रेगुलर वो करते रहते हैं, साथ में लेके चलते हैं सबको, क्योंकि ये सबका काम होना चाहिए। ये करीब 200 पीस बनाने हैं, उसमें से करीब करीब 100 पीस अमेजोन के हैं, 100 पीस ऑर्डर के हैं, बाकी सब इससे ज़्यादा है पर वो हमारे घर पे पड़े रहेंगे, कोई कस्टमर आता है तो वो लेके जाएंगे। आइए नेक्स्ट वर्क में जाते हैं। आज हमारी धर्मपत्नी भी आ गई है हमारा हेल्प करने के लिए। इधर देखो भाई, हाँ इधर देखो भाई, सबको हेलो बोलो। हेलो, वो जालू के बाद हाँ रोज सुबह हेलो बोलना चाहिए सबको। और इधर है हमारे छोटे उत्साह, हेलो बोल दो भाई। हेलो, वो भी कुछ अलमारी में काम कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है अंदर घुस के। और ये रहा हमारा धर्मपत्नी, काम पे लगे हुए है। मिट्टी का काम सारा इनके हाथ में ये कर रही है मिट्टी का। बोलो भाई कुछ बोलो। अरे मैडम जी बोलो तो सही, एक बार देखो तो सही कैमरे के सामने, तो देखो सब लोग देख रहे हैं। सब लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा की होल्डर बन के रेडी है, कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। डॉट भी बना दिया और मिरर भी लग चुके हैं। ये कुछ की होल्डर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये ऊपर का इसका, ये है 1 नंबर का और ये 6 नंबर का है, ये भी आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। तो ये था की होल्डर का काम, ये इसका बैक साइड नंबर लिखा हुआ है पीछे 6 नंबर, ऐसे कुछ डॉट बनाए हैं हमने, की होल्डर है साथ में। ये ऊपर का टांगने वाला हुक, और ये सारे पीस रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा 1x1 फिट का काम शुरू है, और अभी शाम के 7 बज चुके हैं।
कैसे हो आप सब। मैं पहुंच चुका हूं कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग करने के लिए, और आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आशा करता हूं आपकी होली बहुत अच्छी रहे, रंग में खेलिए और खेलते रहिए, और होली के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से होली खेलना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। जय माता दी। मिट्टी की मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक देने वाला हूँ और बहुत एक्सप्लेन मतलब बताने वाला हूँ मिट्टी कैसे बनाते हैं। जल्दी उसकी वीडियो आएगी, मैं बहुत जल्दी वीडियो बना दूँगा। मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ होता है, अभी शाम के 9 बज चुके हैं और बहुत सारा एडिटिंग करना है, तो तब तक के लिए प्लीज़ वेट कीजिए, मैं मिट्टी का वीडियो बना दूँगा आपको और आप मिट्टी का काम कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। Thank you.